एक्सपोर्ट W3 स्कूल। तो देखो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, द जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल अलाउ अस टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल, मतलब आप फाइलों को ना सेपरेटली कहीं रख सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके, लाइक हेडर अलग करना, आपने फुटर अलग करना है, कोई सेक्शन अलग करना है, फिर उसे इंपोर्ट कराना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दिस मेक्स द इजियर टू मेंटेन द कोड बेस, तो ये क्या करता है कोड को इजी करने के लिए यूज करते हैं, ताकि आपको इतना सारा कोड आपको पता नहीं है, आपने अलग अलग सबकी फाइलें बना ली, जब भी जो भी चेंज करना है वो वहां पे जाके आपने उसी फाइल में जाके कर दिया। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल रिली द ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट, तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स यूज करने पड़ते हैं इसके लिए। यू कैन एक्सपोर्ट फंक्शन और वेरिएबल फ्रॉम एनी फाइल, यानी हम किसी भी फंक्शन को या वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट नेम टू एक्सपोर्ट टू वेज, ठीक है, इनलाइन इंडिविजुअली और वंस द बॉटम, तो ये आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो यही लिख के ऐसे, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के, एक बार एक एक्सपोर्ट करके देखते हैं, पर ये जो है ना ये फाइल ये बिना उसके काम नहीं करेगी बिना सर्वर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ इसने, चलो ये बच्चा करते हैं। हाँ देखो ये रहा, मॉड्यूल्स ओनली वर्क विद द HTTPS प्रोटोकॉल, मतलब ये हमेशा HTTPS प्रोटोकॉल पे काम करेंगे, ठीक है। तो HTTPS प्रोटोकॉल हमें कहाँ से चाहिए, मैं तो वेबसाइट लाइव है नहीं अभी, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, एक सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे जिसे बोलते हैं XAMPP, ठीक है, XAMPP सर्वर, इसे लोकल सर्वर बोलते हैं। जब हमारे पास वेबसाइट, अगर हम बैकएंड के लिए काम करते हैं या फिर किसी हम लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास सर्वर तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभी सर्वर तो नहीं है, वेबसाइट जब बन जाएगी तब हम अपलोड करेंगे। तो ये जो है XAMPP ये एक लोकल सर्वर है, ठीक है, हम ये इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे में इंस्टॉल है पहले से, आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, फिर यहाँ पे जाओगे, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये XAMPP के नाम से ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ओपन कर लेना इसको, इसे स्टार्ट कर लेना, अपाची को स्टार्ट कर लेना, बस MySQL को छोड़ देना, ठीक है, MySQL डेटाबेस के लिए होता है, तो अपाची अपाची को स्टार्ट कर लेना, MySQL PHP में काम आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर कहाँ बनाना है, ऐसे कहीं पे भी फोल्डर नहीं बनाना है इसको, आपको डॉक्यूमेंट में जाके आपको डॉक्यूमेंट में जाके नहीं सॉरी सी ड्राइव में जाके एक फोल्डर बन जाएगा XAMPP, इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा STDOC, इसके अंदर जाके आपको फाइल सेव करनी है, वहां पे जहां पे भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो पाथ दे देगा कि कहां बन रही है आपकी फाइल, XAMPP के नाम से फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर STDOC के नाम से फोल्डर बनेगा, उसके अंदर आपको एक फोल्डर सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे JS के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो आपको जो भी कोड करना है इसके अंदर ही करना है, मतलब अपनी पूरी फाइलों को यहाँ उठा के ले आना, ठीक है, इसी के अंदर काम करेगी वो। अब मैं एक काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ, और फाइल में गए और इसे सेव करा, ओपन करा, और यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव, XAMPP, STDOC, STDOC में कौन सा था, JS, और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। लोकेशन समझ में आके क्या रखनी है, यहाँ पे अपन इसका नाम दे देंगे index.js, ठीक है, या export.js, import.js, जो भी करना है आपने। तो मैंने इसका नाम क्या दिया, index.js, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं एक फंक्शन निकाल लेता हूँ या वेरिएबल निकाल, पहले देखते हैं इसका ही, इसमें कैसे कर रखा है इसने, इसने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है, ये इसने फैटी एरो फंक्शन ले रखा है, ये इसे फैटी एरो फंक्शन बोलते हैं, इसका पेट देखो, ये पेट का निकला हुआ ना, ये इसे इसलिए फैटी एरो फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैटी एरो फंक्शन। मतलब फंक्शन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमने यूज करा है अभी तक, एक तरीका ये भी होता है, इस तरीके से भी हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, काम दोनों सेम करते हैं, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो,
काम दोनों सेम ही करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसने क्या करा, इसने एक फंक्शन बनाया, तो मैं अपने नॉर्मल वाला ही फंक्शन बना दो ताकि हम फैमिलियर रह से। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन में लिख दिया एबीसी, और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिलहाल प्रॉम्प्ट। चलो तो ये फंक्शन बन गया जो कि ये रन करेगा, ठीक है। अब मुझे ना क्या करना है, इसे इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट किस पे कराना है, दूसरी वाली फाइल में कराना है जिसका नाम है import.js, ठीक है। अब पहले एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट कैसे कराएंगे, एक्सपोर्ट कराने के लिए ये तरीका है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम, ठीक है। तो एक्सपोर्ट यहाँ कैसे लिखेंगे, फंक्शन खत्म होने के बाद यूँ लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम, क्या नाम था, एबीसी। तो एबीसी हमने यहाँ पे फंक्शन को एक्सपोर्ट कराया अभी बस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, सेव इंपोर्ट डॉट जे एस। हेलो हेलो, हाँ दीपिका, हाँ अच्छा, वो मेरे से भी कह रहे थे, मैंने रिप्लाई नहीं दिया था। हाँ 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 अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। क्या Node.js, वो भी एक उसकी लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, ठीक है। import.js क्लियर है, import.js मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करनी है फाइल, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने का ये तरीका है। अब मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट, और कौन सी फाइल से इंपोर्ट करना है वो लिख देना आपने। तो इंपोर्ट, मुझे फंक्शन का नाम इंपोर्ट करना है, फंक्शन इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट डिफॉल्ट है जेएस, हाँ ये रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, फंक्शन का नाम क्या था, एबीसी, और कहाँ से इंपोर्ट करना है, index.js से, ये रहा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलाना है फंक्शन को। तो फंक्शन चलाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिया एबीसी और बंद कर दिया इसे, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं import.js में कुछ हो रहा नहीं हो रहा। ये फाइल रन करने के लिए आपको लोकल होस्ट पे जाना है, यूँ लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, और फोल्डर का नाम क्या नाम था, js स्लैश, और फाइल का नाम क्या है, import.js। तो ये ऐसा कुछ आ रहा अभी तो फिलहाल, ठीक है। अब मैं इसे ना कॉल कर लेता हूँ एक html में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है इस फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, ये नई एक फाइल लेंगे, सेव करेंगे, इसका नाम मैंने दे दिया index.html, यहाँ प्रिंट कराना है मुझे। तो मैंने वही नेम डिफॉल्ट ले ली, और मैंने क्या करा, ये वाली फाइल को लिंक करा लिया। ये वाली फाइल कौन सी है, स्क्रिप्ट src, फाइल का नाम क्या है, import.js, import.js, और यहाँ पे मैंने यार मॉड्यूल नहीं यूज करे, मैंने मॉड्यूल यूज करने पड़ेगा, एक बार चेक करते बिना मॉड्यूल के काम नहीं करेगा ये। और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर abc को प्रिंट करा देता हूँ, abc, और बंद कर दिया मैंने, और यहाँ हटा देते हैं। ये बिना मॉड्यूल के ऊपर काम नहीं करेगा। index.html ओपन करते हैं, ठीक है।
और इम्पोर्ट डॉट जे एस है, इम्पोर्ट डॉट जे एस है ना, नहीं ये हो गया और ये हमने इम्पोर्ट डॉट जे एस ठीक कॉल करा रखी है ये चीज, पर अभी ये काम नहीं करेगा। ये किस तरीके से काम करता है, इसके लिए हमें मॉड्यूल्स भी देने पड़ते हैं, ये वाले मॉड्यूल्स ठीक है। देखो इसमें दिखा रखा होगा, इसने डिफाइन करा था कहीं, ये रहा। तो आपको यहाँ पे ना टाइप भी लिखना है, क्या टाइप लिखोगे, मॉड्यूल लिखना है यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इसका स्क्रिप्ट का टाइप मॉड्यूल ठीक है। तो स्क्रिप्ट का टाइप आ गया हमारा मॉड्यूल ठीक है। कहाँ से फाइल इंपोर्ट करनी है वो यहाँ पे डिफाइन करना है, तो वो मैंने यहीं पे डिफाइन किया था। मैं काम करता हूँ डायरेक्टली डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने कट किया और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इम्पोर्ट एबीसी फ्रॉम इंडेक्स डॉट जे एस ठीक है, और फिर मुझे प्रिंट कराना है इसको। यहाँ पे मैंने क्या करा, लिखा डायरेक्ट एबीसी और बंद कर दिया। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो हमारा ये प्रॉम्प्ट आ रहा है इसमें ठीक है। तो ये क्या करा हमने, इस वाली फाइल से इस फंक्शन को ना इंपोर्ट कर डाला, इस वाली फाइल से इस फंक्शन को इंपोर्ट कर डाला ठीक है। तो हम इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है, आगे समझ में क्लियर है ना। तो ये तरीका है हमारा फंक्शन इंपोर्ट करने का। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने फंक्शन बना रखा है ठीक है, और बस हमें कॉल करानी है। अब जहां जहां कॉल करानी होगी हम वहां पे इंपोर्ट करा लेते हैं, मतलब इस तरीके से ना, जैसे हमने दूसरे फंक्शन बना रखे हैं या फिर वेरिएबल बना रखे हैं, हम दूसरी फाइल से उठा के इसमें इंपोर्ट करा लेंगे। तो मुझे जहाँ जहाँ चाहिए होगा, जहाँ जहाँ फंक्शन की नीड होगी वहाँ पे बस मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट एबीसी फ्रॉम दिस, और जब जब मुझे ये चाहिए होगा बस मैं वहाँ पे एबीसी को यूज कर लूंगा एक बार पहले बना हुआ। हाँ वो चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं इससे। तो उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी अगर हम कोई यूज़ करते हैं ना, तो ना उसमें क्या होता है, बहुत सारी फाइलें होती है, तो वहाँ पे जो मास्टर फाइल होती है वहाँ पे हम सारे इंपोर्ट कर लेते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे आपको लोगो भी करना है तो लोगो भी इंपोर्ट कर लोगे। अब जैसे मुझे इसमें प्रिंट इमेज चाहिए, तो इमेज कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझे ना कोई क्या नाम है, इमेज प्रिंट करानी है। इमेज मुझे कैसे प्रिंट करानी है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली। ये काम करेगा सिर्फ इसी के अंदर, किसमें, अगर इसको देखो मैं इसको ना पूरा को उठा के ना वहां रख लूं बाहर, तो काम नहीं करेगा। कॉपी किया और इसे मैंने डॉक्यूमेंट में रख लिया यहाँ पे, और मैं अब चेक करता हूँ, तो देखो अब काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, डायरेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ये हमेशा HTTPS पे काम करेगा, मतलब जहाँ पे हमारा लोकल सर्वर होगा वहीं काम करेगा। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इस तरीके से वर्क कर रहा है ये। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं फंक्शंस को, मतलब सिर्फ फंक्शन ही नहीं, हम ना जैसे कि कोई वेरिएबल इंपोर्ट करना है तो वेरिएबल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे वेरिएबल इंपोर्ट करना है, मेरी ये फाइल है, मुझे वेरिएबल इंपोर्ट करना है। वेरिएबल कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैं इसको भी फिलहाल हटाता हूँ, मुझे वेरिएबल लगाना है सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट लिखा ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, जैसे कि नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स राहुल। अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, तो यूँ लिखेंगे एक्सपोर्ट ठीक है, वेरिएबल के लिए यहाँ पे ये यह आता है ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम ठीक है। एक और वेरिएबल एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लिखा सिटी, और यहाँ पे कर दिया मैंने दिल्ली। अब मुझे वहां पे प्रिंट कराना है कॉमा सिटी, तो दो वेरिएबल हमारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। कहाँ इंपोर्ट करूंगा मैं, index.html में यहाँ पे। तो इंपोर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, अच्छा तो इंपोर्ट करने के लिए मैं इसे कमेंट बना लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। अगर वेरिएबल को इंपोर्ट कराना होता तो आप इस तरीके से टैग लगाओगे, किस किस को लेके आना है, नेम को कॉमा और सिटी को, और यहाँ पे आपने किससे इंपोर्ट कराना है वो लिखना है फ्रॉम
ठीक है, और डबल कोट्स, और यहाँ पे फाइल का ये पहले स्लैश लगेगा, फिर यहाँ लगेगा इंडेक्स डॉट जेएस, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा हमने नेम, और बंद कर दिया। चेक करते हैं आउटपुट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नेम आ तो गया, इंपोर्ट नेम। अच्छा लोकल होस्ट चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नेम, पहले कुछ वैसे प्रिंट करके देखे काम कर रहा है ये। हेलो, यही वाली फाइल है क्या? ये क्या कह रहा है? फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन दिस लाइन, ये है कि हमारा जो राइट की स्पेलिंग सही है, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट राइट डब्ल्यू आर आई टी सही तो है। अलर्ट में देखे, अलर्ट अलर्ट काम कर रहा है, अलर्ट काम कर रहा है। इसमें प्रिंट करा के देखते नेम को, नेम रिफ्रेश किया, राहुल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आ रहा है ना वेरिएबल, तो आ रहा है मेरा। और सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए? सिटी चाहिए, मैंने यहाँ सिटी लिया, तो ये क्या हो रहा है? सिट दिल्ली लिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों एरे क्या ले रहा है? ये इस तरीके से ले रहा है। तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं दूसरी फाइल में, जेएस की फाइल में और एचटीएमएल की फाइल में, इस तरीके से इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिटी कॉमा नेम, तो यहाँ पे हमारा सिटी आ गया। अब मुझे प्रिंट कराना क्या? नेम, तो मैंने सिटी, अब क्या करेंगे? प्लस नेम, तो क्या हो गया? अब दोनों चीज आ जाएगी, राहुल दिल्ली और राहुल। ठीक है, दोनों चीज मेरी क्या हो रही है? और ये पर प्रिंट क्यों, डॉक्यूमेंट राइट क्यों नहीं हो रहा? कंसोल में चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे? नेम, बंद करा, रिफ्रेश किया, कंसोल में काम कर रहा नहीं कर रहा, चेक करते हैं कंसोल, तो राहुल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, है ना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक करते हैं, ये फेल कर रहा है, कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इनटू आर डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनएसएसई लोडेड एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ओपन। अच्छा, ये कह रहा है कि ना आप इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नहीं लिखवा सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिव लेके फिर उसमें इनर एचटीएमएल से प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल नहीं लेके जाते, हाँ ऐसे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो या तो हम कंसोलर पे चेक कर लेंगे, या फिर हम अलग से एक डिव बना के उसमें सेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वर्क कर रहा है इस तरीके से। तो हमें वहाँ पे हमने जितने भी वेरिएबल बनाने थे हमने अलग फाइल में बना लिए, और यहाँ पे हम इस तरीके से इंपोर्ट करके लिए आएंगे। लाइक मुझे कोई डिव प्रिंट करना, अब मुझे बस क्या करना होगा? जो भी फाइल में काम करना है, सिर्फ मैं जाऊँगा एक नई फाइल ले लेते हैं, इसका सेव करा अबाउट डॉट एस टी एम एल, जो भी वेरिएबल चाहिए वही उसी की नीड, वही यूज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अभी क्या होता है, नहीं तो ना जावास्क्रिप्ट में सारी जावास्क्रिप्ट एक ही पेज पे लानी पड़ती है। अब क्या होगा, जैसे मुझे ना एक ही वेरिएबल चाहिए ये वाला, तो मैं पूरी जावास्क्रिप्ट को क्यों कॉल करूँ? पूरी जावास्क्रिप्ट क्यों लेके आऊँ? सिर्फ मैं क्या लेके आ रहा हूँ? इम्पोर्ट क्या कर रहा हूँ? सिर्फ ये इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट क्या होगी? हैवी नहीं होगी, सिर्फ वही कंपोनेंट उठ के आएगा जो मुझे नीड है। ठीक है, जो कंपोनेंट मुझे नीड है वही कंपोनेंट उठ के आएगा, नहीं तो केस इस वैसे क्या होता है कि पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट कॉल होती है। तो रिएक्ट पे हम इसलिए, जब रिएक्ट पे काम करते हैं ना, तो वो क्या करता है, एक एक कंपोनेंट को पिक करता है, तो जो जिस कंपोनेंट की नीड होगी वो कंपोनेंट का नाम दे देगा, उसको इंपोर्ट करा देगा, वो चीज आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मुझे, अगर मुझे सिटी की नीड ही नहीं है तो मैं सिटी क्यों लेके आऊँ? सिर्फ मैं ये लेके आऊंगा तो मेरी जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है? सिर्फ एक ही ये कॉल कर रही है, और कुछ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में। तो देखो एक एक ही सिर्फ ये लेके चल रही है इसको, ठीक है, बाकी और कुछ पिक ही नहीं कर रही। तो ये चीज होती है हमारी, ये इस तरीके से हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इससे वेबसाइट क्या हो जाती है हमारी, फास्ट हो जाती है, वेबसाइट को इजी मॉडिफाई कर सकते हैं हम, हमें बस सिर्फ इसी में वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, तो ये होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो जैसे मुझे इस फाइल में तो सिर्फ इंडेक्स ये चाहिए था, मैं दूसरी वाली फाइल में गया, मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। मॉड्यूल लिखना जरूरी है, मॉड्यूल नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ इसको, अबाउट डॉट एस टी एम एल और एस टी एम एल, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये डाल दिया। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ मुझे सिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिटी लिख देंगे बस, और नेम की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। तो इस वाली फाइल में क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास सिटी सिटी आई। तो इसमें मैं यहाँ करता हूँ अबाउट डॉट एस टी एम एल, तो वेबसाइट देखो कितनी फास्ट हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि तो हमारे पास फालतू कोड है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ पिक होके आ रही है। तो रिएक्ट में भी इसी तरीके से होता है, अगर आप यूट्यूब खोलोगे ना, यूट्यूब रिएक्ट में बना हुआ है, तो यूट्यूब खोलते हैं हम जरा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, किसी के चैनल पे चला जाता हूँ, तो लाइक मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ, ये रहा योर चैनल। तो देखो इसमें क्या हो गया, यूट्यूब ने एक पेज लोड कर दिया है, जब मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो बस सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो रहा है, लोड नहीं हो रहा, ये देखो लोड नहीं हो रहा, नहीं बफरिंग नहीं हो रही, देखो ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही यहाँ पे। तो बस वो क्या करता है, पेज वही रहता है, पेज वही है, देखो पेज वही है, बस उसके कंपोनेंट चेंज कर देता है, और कंपोनेंट जो कंपोनेंट की नीड है, वीडियोस की नीड है तो वीडियो डाल दी, फीचर की नीड है फीचर डाल दिए, तो लोड होने में टाइम ही नहीं लगता। तो अबाउट चाहिए तो देखो इसने क्या करा, सिर्फ अबाउट यहाँ पे कॉल करा दिया, एक बार भी लोड नहीं हुई है, नहीं तो वैसे कोई भी वेबसाइट आप करोगे ना लोड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ना यहाँ पे ये लोड है, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये बफरिंग कर रही है, ये कर रही है, ये लोड हो रही है, लोड होने के बाद इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हर एक वेबसाइट क्या होती है, लोड होने में टाइम लेती है, पर रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट में लोड नहीं होता बिल्कुल भी, बस एक बार पेज पहला पेज लोड हो गया, फिर उसके बाद वो सारे कंपोनेंट उठ के आते हैं। तो देखो ये लोड हो रहा है ना, ये कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तुम्हें, यूट्यूब पे एक बार पहली बार लोड होता है, दूसरी बार कभी भी बफरिंग नहीं होती, ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्ट का काम है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को वेरिएबल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ले जाना पड़ता है रिएक्ट के। तो कोई भी लाइब्रेरी, सिर्फ रिएक्ट ही नहीं, कोई भी आप आगे फ्रेमवर्क पे काम करोगे तो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक मतलब क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, मुझसे ये टॉपिक मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आपको ना फंक्शंस के बारे में, लोकल और ग्लोबल फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको एलसिफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको डाटा टाइप कौन कौन से है, मैंने कुछ बता दिए, जो जो कॉमन है और एक दो और भी है, तो वो भी आप ऐड कर लेना। ठीक है, एरे तो पता ही है आपको, लूप पता ही है, स्विच केस पता ही है, ये कराया। अब एक फैटी एरो फंक्शन के बारे में पढ़ना, मतलब फैटी एरो फंक्शन जरूरी नहीं है कि आप फैटी एरो फंक्शन यूज करो, पर ना 2016 के बाद ना फैटी एरो फंक्शन आ गया था, तो इससे क्या हो गया कि ना थोड़ा ना कोड ना लिखने में शॉर्ट हो गया है, तो ये शॉर्टकट है एक तरीके से फंक्शन का, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो फैट एरो फंक्शन का। मुझे आदत है, मैंने 2013 में सीखा था, तो मुझे आदत है इसी पे काम करने की, मतलब इसी तरीके फंक्शन पे काम करने की, पर 2016 के बाद ना ये आ गया था हमारे पास, तो लोग ना बहुत से लोग ना यही यूज करते हैं फैट एरो फंक्शन। तो ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं ना, एक फंक्शन तो हमारे पास ये हो गया, इस तरीके फंक्शन बनाते हैं हम। एक फंक्शन और है फैट एरो फंक्शन, इसमें है एरो फंक्शन, तो काफी क्या होगा, वैसे जरूरत नहीं है हमें स्ट्रेच से कर रहे, तो पर कभी कभी होता है ना किसी को बना बनाया कोड मिला है और उसको समझना है, तो वहां पे दिक्कत आएगी, नहीं तो आप इस तरीके से फैट एरो फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो ये तरीका है फैट एरो फंक्शन बनाने का, तो इसे इस तरीके से सेट करते हैं, नए फंक्शन और यहाँ पे हमारा उसका नाम, उसके पैरामीटर, और इस तरीके से सेट करते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके में दे रखा होगा ये। तो फैट एरो फंक्शन हमें इस तरीके से लिखना होता है, तो हेलो यानी ये फंक्शन का नाम हो गया, फिर इज इक्वल टू आता है, फिर फंक्शन आता है, फिर यहाँ पे हमें जो भी रिटर्न कराना होता है, इसमें प्रिंट कराने के लिए रिटर्न लिखते हैं, तो रिटर्न जो भी चीज़ रिटर्न करानी है वो हमें इस तरीके रिटर्न करना होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो ये तरीका है फैटी एरो फंक्शन का, लिख लो गया। ठीक है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, पहले हमारा उसमें क्या होता है फंक्शन के बाद हमारा यहाँ पे आता है हेलो, है ना, इसमें क्या करा हेलो इज इक्वल टू और फंक्शन को इक्वल कर दिया। तो ये कर लेना,
मैंने वो एरे के रूप के साथ एरे वो करवाए थे ना, कि लाइक अगर हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट